गाइस वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। इस वीडियो में हम पूरा पंचायत राज 73rd अमेंडमेंट एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पंचायत राज सिग्निफाइज करता है रूरल लोकल गवर्नमेंट को। ये 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऑल इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया। इसका पर्पज था टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट दी ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऑल इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। पंचायत राज का मेन पर था रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना। इसके लिए बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई जिन्होंने अलग अलग टाइम पर अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बलवंत राय कमेटी बनाई गई जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्किंग को देखने के लिए एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी ने नवंबर 1957 को अपनी रिकमेंडेशंस दी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को एस्टेब्लिश करना रिकमेंड किया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मींस लोकल अथॉरिटीज़ को आगे लाना और डिस्क्रिशनरी पावर्स देना जिससे वो लोकल एफिशिएंसी बढ़ा सकें और लोकल डेवलपमेंट कर सकें। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को ही पंचायत राज कहा जाता है। इनकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी जिनमें फर्स्ट है थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए जिसमें विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होना चाहिए जिसमें विलेज पंचायत के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा और जिला समिति के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा और सारी प्लानिंग और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जो भी होंगी वो इन बॉडीज़ को दी जाएगी और पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और ज़िला परिषद एडवाइजरी बॉडी होगी और जो सुपरवाइज करेगी। मीन्स ज़िला परिषद एडवाइज करेगी और सुपरवाइज करेगी और पंचायत समिति कोई भी स्कीम होगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी या एग्जीक्यूट करेगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज़िला परिषद का चेयरमैन होगा। इनकी रिकमेंडेशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज़िला परिषद का चेयरमैन बनाया जाएगा और इनको एक एडिकेट रिसोर्सेज दिए जाएंगे जिससे वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह पूरा कर सकें। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 1958 जनवरी में इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया बट इस काउंसिल ने सिंगल रिजिड पैटर्न को एस्टेब्लिश करने के लिए किसी को इंसिस्ट नहीं किया और स्टेट्स पर छोड़ दिया कि जो स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो कर सकती है। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बनी जिसने पंचायत राज को 2 अक्टूबर 1959 में एस्टेब्लिश किया। इसके बाद अशोक मेहता का पेट जनता गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट की गई जिसके चेयरमैन थे अशोक मेहता जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 1978 अगस्त में सबमिट किया जिसमें 132 रिकमेंडेशंस दी गई। इनकी मेन रिकमेंडेशंस इन्होंने थ्री टायर पंचायत सिस्टम को टू टायर पंचायत सिस्टम से रिप्लेस करने का रिकमेंड किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एक सोशल ऑडिट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश की जानी चाहिए जो चेक करे कि फंड्स जो एलोकेट किए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वल्नरेबल सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स को स्पेंड किए गए या नहीं। पंचायत राज में SC और ST की रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अपॉइंट किया जाना चाहिए जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन इलेक्शंस को कंडक्ट करे बट जनता गवर्नमेंट कलैप्स होने की वजह से इनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया इनकी रिकमेंडेशंस पर। इसके बाद GV राव कमेटी आई। इस कमेटी को 1985 में अपॉइंट किया गया जिसके चेयरमैन GV K राव थे। ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में अपॉइंट की गई थी कमेटी जिसके चेयरमैन GV K राव थे। इनका कहना था धीरे धीरे पंचायत राज का ब्यूरो क्रिएशन किया जा रहा है इसकी वजह से पंचायत राज वीक हो रहा है, इसलिए इस कमेटी ने पंचायत राज को ग्रास विदाउट रूट्स कहा। पंचायत राज को स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज करने के लिए इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दी जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ज़िला डिस्ट्रिक्ट को एक प्रॉपर यूनिट माना जाना चाहिए और ज़िला परिषद को एक प्रिंसिपल बॉडी की तरह उसको मैनेजमेंट करने के लिए सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल बॉडी बनाना चाहिए। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की पावर्स डिस्ट्रिक्ट और उसके लोअर लेवल्स को असाइन की जानी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए जो एज ए जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट की सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का चार्ज उसके पास होगा। उनकी लास्ट रिकमेंडेशन थी पंचायत राज में इलेक्शंस
रेगुलर इंटरवल के बाद होनी चाहिए। जीवी के राव कमेटी की रिपोर्ट हनुमंता राय कमेटी से अलग थी। हनुमंता राय कमेटी की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पर थी। इनकी रिपोर्ट 1984 में आई थी। जीवी के कमेटी का कहना था बेसिक डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी चाहिए। हनुमंत राय कमेटी का कहना था एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी होनी चाहिए जो या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और या तो मिनिस्टर के अंडर होनी चाहिए। बट फाइनली जीवी के राव कमेटी ने रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में कम होना चाहिए। इसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी आई। इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट ने रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पर एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन एलएम सिंघवी बने। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी जिनमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए, ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए और प्रिजर्व होना चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक न्यू चैप्टर ऐड किया जाना चाहिए जिससे इसको आइडेंटिटी मिलेगी और इंटीग्रिटी मिलेगी। इन्होंने सजेस्ट किया एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पंचायत राज बॉडीज के लिए होनी चाहिए, नए पंचायत एस्टेब्लिश की जानी चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ग्राम सभा बनाने पर जोर दिया और विलेज पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए, इस पर इन्होंने जोर दिया। इनका लास्ट रिकमेंडेशन थी हर स्टेट में पंचायत राज की कंट्रोवर्सीज उसके रिलेटेड मैटर्स रिजोल्यूशन के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए जस्टिस ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए हर स्टेट में। इसके बाद पंचायत राज बिल का कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाने लगा। सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जुलाई 1989 में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित किया। अगस्त 1989 में लोकसभा में बिल पास हुआ पर राज्यसभा में बिल अप्रूव नहीं हो पाया जिसके वजह से पंचायत राज का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ना हो पाया। इसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट आई। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1989 नवंबर में गवर्नमेंट संभाली और इन्होंने पंचायत राज को स्ट्रेंथन करने के लिए कदम उठाए। जुलाई 1990 में प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के साथ 2 डेज की कॉन्फ्रेंस की जिसमें वीपी सिंह ने पंचायत राज बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए इश्यूज डिस्कस किए और सितंबर 1990 में लोकसभा में बिल को पास कर दिया गया। बट उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट गिरने की वजह से बिल को पास नहीं किया जा सका। इसके बाद नरसिम्हन राव गवर्नमेंट आई। पीवी नरसिम्हन राव गवर्नमेंट ने पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए फिर से मैटर को सामने लाया। इन्होंने प्रपोजल को मॉडिफाई किया और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को डिलीट किया। इसके बाद 1991 सितंबर में इन्होंने लोकसभा में अमेंडमेंट बिल लाया। फाइनली लोकसभा में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1992 में पास कर दिया गया और 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद 73rd अमेंडमेंट बिल के कुछ सिग्निफिकेंसीज डिस्कस करेंगे। पंचायत राज एक्ट आने से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्ट 9th ऐड हुआ। पंचायत राज का प्रोविजन आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसी के साथ 11th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जिसमें 11th शेड्यूल में पंचायत के 29 फंक्शंस ऐड किए गए जो आर्टिकल 243G से डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत राज डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 40 को एक शेप देता है जिसमें बताया गया है स्टेट्स को विलेज पंचायत बनाने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए और उन पंचायत्स को पावर और अथॉरिटी दी जानी चाहिए ताकि वो एज ए सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन कर सकें। इसके बाद पंचायत राज एक्ट के प्रोविजंस 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। एक कैटेगरी कंपलसरी और दूसरी कैटेगरी वॉलेंट्री। कैटेगरी कंपलसरी मैंडेटरी जो मैंडेटरी थी और एक कैटेगरी वॉलेंट्री जिससे स्टेट्स का डिस्क्रिशन बोला गया, मतलब स्टेट्स अपनी मर्जी से इन्हें लागू कर सकती है या नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कंपलसरी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वॉलंटरी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। पहला प्रोविजन ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, ये कंपलसरी प्रोविजन बनाया गया। विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत के चेयरपर्सन की इनडायरेक्ट इलेक्शन की जानी चाहिए, सभी सीट्स पर डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए। इसके बाद पंचायत के चेयरमैन की इनडायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट लेवल पर इलेक्शन कंटेस्ट करने की मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और एससी एसटी कैटेगरीज को बोथ मेंबर्स और चेयरपर्सन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। विमेन्स को 1/3 सीट्स एलोकेट की जानी चाहिए मेंबर और चेयरपर्सन के लिए भी।
पंचायत का टेन्योर 5 ईयर फिक्स किया जाना चाहिए और डिसॉल्व होने के बाद 6 मंथ के बीच में इलेक्शन हो जाना चाहिए। पंचायत के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इसके बाद हम वॉलेंट्री डिस्कस करेंगे। वॉलेंट्री मीन्स डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट्स, जिन्हें स्टेट अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। फर्स्ट प्रोविजन इसमें था बैकवर्ड क्लासेस को सीट्स प्रोवाइड करना। सेकंड प्रोविजन था पंचायत को एज ए सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन करने के लिए पावर्स और अथॉरिटीज ग्रांट करना। इसके बाद पंचायत को फाइनेंशियल पावर्स देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस पर प्लान्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना पंचायत को। ये सब वॉलेंट्री प्रोविजन्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। जो हमने पीछे डिस्कस किए वो कंपल्सरी प्रोविजन्स थे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी जो पंचायत राज का सैलियंट फीचर्स हैं और 11th शेड्यूल में जो 29 आइटम्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हैव ए नाइस डे।